तो हेलो, कैसे भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज हमारा एक टूर्नामेंट का मैच चल रहा है, किसके साथ? क्राउन वाईटी के साथ। क्राउन वाईटी को कौन नहीं जानता, इस टीम की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है मुझे। खैर छोड़ो गाइस, फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस वॉर की। हम लोग ने यहाँ पे एक अटैक किया है, उसको थ्री स्टार निकाला है, लेकिन इस अटैक को भाई साहब मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया यार। खैर छोड़ो, इस अटैक को हम लोग लास्ट में देख लेंगे, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आगे के अटैक्स हमारे कैसे जाने वाले हैं। सो गाइज, उज्जवल इज लाइव विद इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड यहाँ पे बैटर ब्लिंप यूज करने वाला है बंदा। लेट्स सी किस तरफ से इलेक्ट्रो ड्रैगन्स आने वाले हैं यहाँ पे। ओके, टाउन हॉल के बिल्कुल अपोजिट से यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन आने वाले हैं। क्वीन को भी यहाँ पे डाल दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स यहाँ पे आ चुके हैं। बैलून्स आ गए सारे के सारे एंड वार्डन आ चुका है। क्या यहाँ पे अर्ली एबिलिटी देखने को मिलेगी? पहली रेज, सेकंड रेज एंड वार्डन की एबिलिटी को यहाँ पे यूज कर दिया। बैटर ब्लिंप अभी डाला नहीं है, तो बैटर ब्लिंप अभी होल्ड कर रहे हैं। किंग को यहाँ पे डाल दिया, लेट्स सी भाई क्या होने वाला है इस अटैक में। क्वीन ने डिफेंस को यहाँ पे डाउन कर दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है ना सारे के सारे, वो एक तरफ भटक चुके हैं। एयर स्वीपर भी यहाँ पे डाउन हो गया, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था। सीसी से यहाँ पे क्या निकला भाई? पॉइजन यहाँ पे डाल दिया एंड सुपर मिनियंस निकले अपोनेंट के सीसी से। एक वॉल ब्रेकर था, उसको यहाँ पे यूज कर दिया, लेकिन क्या किंग यहाँ पे वापिस आएगा? मुझे लग नहीं रहा। ओ भाई साहब, किंग यहाँ पे वापिस आ गया, स्कैटर शॉट को यहाँ पे फ्रीज कर दिया। किंग यहाँ पे आसानी से स्कैटर शॉट को डाउन कर लेगा एंड ए डिफेंस को भी यहाँ पे डाउन कर लेगा। इस तरफ से रॉयल चैंपियन को डाल दिया, रॉयल चैंपियन यहाँ पे आसानी से स्कैटर शॉट को डाउन कर लेगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे टाउन हॉल डाउन हुआ नहीं है एंड अभी तक यहाँ पे बैट ब्लिंप को भी डाला नहीं है। लेट्स सी भाई, लास्ट वाली फ्रीज थी, उसको यहाँ पे यूज कर दिया सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो के ऊपर। क्वीन की एबिलिटी है अभी, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी है, लेकिन क्वीन थोड़ी सी यहाँ पे खतरे में है। क्वीन की एबिलिटी यहाँ पे यूज हो सकती है बहुत जल्दी। एक रेज बचा रखी है टाउन हॉल को डाउन करने के लिए, रेज यहाँ पे डाल दी। कम ऑन भाई, टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो गया, क्या ये थ्री स्टार निकलेगा? क्वीन की हेल्थ यहाँ पे बहुत कम है एंड नहीं 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 भाई, क्वीन डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर क्वीन डाउन होगी फिर ये अटैक फेल है। ओ भाई साहब, क्वीन यहाँ पे डाउन होगी, क्या ये अटैक अभी भी थ्री स्टार निकल सकता है? गाइज यहाँ पे बस कोई ब्लैक एयरमाइन नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई, एक आरसी टावर तो गया, लेकिन दूसरे वाला आरसी टावर यहाँ पे डाउन नहीं हो पाएगा। कम ऑन, नहीं भाई, अगर ये आरसी टावर यहाँ पे मिल जाता ना, फिर ये अटैक यहाँ पे तो रिशा निकल जाता। चलो कोई ना, 92% निकल गया यहाँ पे एंड 93 हो जाएगा, मे बी 94 भी हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं बचेगा भाई इतना ज्यादा। यहाँ पे 93% निकल गया ये वाला अटैक। अंशु भी यहाँ पे लाइव आ चुका है एजाज 222 के ऊपर विद ब्लिजर्ड हाइड्रा। ओके, दो यहाँ पे इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स भी लिए हैं। बैटर ब्लिंप को यहाँ पे डाल दिया, रेज एंड यहाँ पे इनविजिबल। ओके, टाउन हॉल यहाँ पे मिल जाएगा, टाउन हॉल मिल गया, इनविजिबल। ओके, अभी यहाँ पे कोई भी इनविजिबल डाली नहीं है, लेट्स सी। सीसी को एक कॉर्नर में बुला लिया, यहाँ पे कुछ हेडेंटर्स निकले हैं तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा भाई। एक लोन एंड इन्फर्नो बेबी ड्रैगन आ चुका है। ओके, टाइम का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम यहाँ पे बहुत कम है भाई, पॉइजन आ जाएगी यहाँ पे। ओके भाई, अभी तक तो अटैक एकदम सही चल रहा है, लेकिन ये कैनन यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है हमारे ड्रैगन्स को, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सारे के सारे ड्रैगन्स यहाँ पे डाल दिए एंड यहाँ पे वो भी डाल दिया, क्या बोलते हैं, ड्रैगन राइडर्स। वार्डन यहाँ पे आ चुका है, किंग एंड क्वीन को भी यहाँ पे डाल दिया। ओके, अभी तक तो अटैक सही चल रहा है, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है ना कि एक यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ड्रैगन राइडर, वो कैनन के ऊपर चला जाएगा। देखा भाई, मुझे लगा ही था। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी को काफी एक्यूरेट टाइम पे यूज कर दिया, सामने यहाँ पे सिंगल टारगेटिंग बना, बहुत सारे ट्रैप्स भी यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन एक ड्रैगन राइडर जो उस तरफ गया था ना, वो यहाँ पे मरने वाला है, वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ पे। भाई अटैक तो एकदम सही चल रहा है, लेकिन ईगल के लिए कोई ट्रूप यहाँ पे गया नहीं, एक ड्रैगन राइडर गया है जिसकी हालत यहाँ पे काफी कम है, लेकिन खैर मनाओ कि यहाँ पे कोई भी ट्रैप निकला नहीं। किंग की एबिलिटी को यहाँ पे यूज कर दिया एंड मुझे लग रहा है ये अटैक यहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा। इनविजिबल स्पेल को यहाँ पे यूज कर दिया, अभी भी बंदे के पास यहाँ पे एक इनविजिबल बची हुई है, एक फ्रीज बची हुई है।
कमोन 22 कैलिस निकल गए यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे फ्री स्पेल को स्वैग कर दिया, रियली इनविजिबल स्पेल को भी स्वैग कर दिया, एंड अभी बहुत सारे डिफेंसेस बचे हुए हैं भाई, कहीं अटैक फेल ना हो जाए। अगर यहाँ से अटैक फेल हो गया ना, स्कैलिस निकले हैं भाई यहाँ पे, आरसी स्कैलिस को मारो भाई पहले। नहीं 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 यार, ये आरसी ने क्या किया, टेस्ला की रेंज में जाकर के भाई स्कैलिस को मार रही है एंड अपने ऊपर डैमेज ले रही है। भाई 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 भाई, कहीं अटैक फेल ना हो जाए क्योंकि टाइम भी यहाँ पे काफी कम है। क्वीन की एबिलिटी को यहाँ पे यूज कर दिया, एक यहाँ पे वॉलवेकर को डाला है डिस्ट्रैक्शन के लिए। आरसी टावर यहाँ पे डाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टोरेजेस बची हुई है, क्या ये अटैक थ्री स्टार हो पाएगा? कम ऑन भाई, थ्री स्टार चाहिए अपने को, कम ऑन भाई। ये अटैक फेल हो गया, फेल हो गया। अरे भाई साहब, ये कैसे थ्री स्टार निकला यार, लास्ट सेकंड पे भाई यहाँ पे थ्री स्टार निकला है। एंड जो भाई ने यहाँ पे अर्ली स्वैक्स किए ना भाई, मजा आ गया यार। रेहान इज लाइव ऑन तैयब विद ब्लिजर लालो। ओके भाई, अभी मजा आएगा ना, देखते हैं बैटल ब्लिम किस तरफ से डालेगा। यहाँ पे कुछ लोन्स डाले हैं एंड तीन लोन्स इस तरफ डाले हैं ताकि आर्ची टावर यहाँ पे डाउन हो जाए। ओके, बैटल ब्लिम को यहाँ पे डाल दिया, अभी लैंडिंग देखनी पड़ेगी कहाँ पे होगी। एडेंटर्स यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं, एंड भाई साहब क्या ही लैंडिंग हुई है यार यहाँ पे सुपर विजार्ड्स की। यहाँ से बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है, एक तो यहाँ पे सीसी ल्यूर हो गया, सेकंड टाउन यहाँ पे डाउन हो जाएगा, सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा एंड एक अच्छा खासा फनल भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये गया भाई यहाँ पे सिंगल, एक इंडिविजुअल स्पेल अभी बची हुई है जिसको अभी बचा लेना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंड क्वीन को यहाँ पे डाल दिया, लावा हाउंड को आराम से यहाँ पे क्वीन मार देगी क्योंकि रेहान के पास अभी एक पॉइजन स्पेल भी है, तो लावा हाउंड यहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत देगा नहीं, लेकिन टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 मिनट बचे हैं क्लॉक के ऊपर, कम ऑन क्वीन कम ऑन, 2 मिनट से भी कम टाइम बचा है। क्वीन के अलावा किसी और ट्रूप को डाला नहीं है यहाँ पे, स्नीकीज को डाला है यहाँ पे, किंग को यहाँ पे डाल दिया, एक आइस गोलम भी है यहाँ पे। लेट्स सी आइस गोलम को कहाँ यूज करने वाले हैं। ओके, आइस गोलम को भी यहाँ पे डाल दिया एंड इस तरफ से रॉयल चैंपियन भी आ चुकी है। क्या किंग एंड रॉयल चैंपियन की मदद से यहाँ पे अपोनेंट की क्वीन मिल पाएगी? भाई अगर अपोनेंट की क्वीन मिल जाती है ना तो काफी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन टाइम देखो गाइस, टाइम बहुत कम है। किंग की एबिलिटी को यूज कर दिया, आइस गोलम यहाँ पे फूटा, अपन की क्वीन यहाँ पे फ्रीज हो गई एंड अपन की क्वीन यहाँ पे डाउन हो गई। हमारी क्वीन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत में है, क्वीन की एबिलिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी, लेकिन एक इंडिविजुअल सेल बची हुई है जो कि अभी काम आ सकती है एंड क्वीन को यहाँ पे इंडिविजुअल कर दिया। क्वीन आराम से भाई यहाँ पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो को निकाल लेगी कोर वाले को। भाई अब तो ये अटैक ट्रिपल है, अब कोई नहीं रोक सकता इस अटैक को ट्रिपल होने से। मे भी कुछ स्पेल्स का यहाँ पे स्वैग भी हो सकता है। हेड एंटर्स को यहाँ पे डाल दिया, लेकिन हेड एंटर्स यहाँ पे अपन के किंग के ऊपर जा रहे हैं। ओके, वार्डन एबिलिटी यूज कर दी यहाँ पे, पीछे की तरफ यहाँ पे टेस्ला फार्म बचा है। गाइस ये 3 स्टार है भाई, टाइम की भी यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी नहीं। एक फ्री स्पेल को यहाँ पे स्वैग कर दिया, एक हेड स्पेल को यहाँ पे स्वैग कर दिया, बचे हुए लूंस को यहाँ पे डाल दिया, बेबी ड्रैगन, दो मिनियन, सारे के सारे ट्रूप्स को यहाँ पे डाल दिया। आसानी से भाई साहब ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकल गया, बहुत ओपी अटैक था ये। एंड अभी बचा है सिर्फ एक अटैक जो कि है मेरा। हमारे 4 अटैक्स में यहाँ पे 11 स्टार हो चुके हैं एंड क्राउन वाइटी के यहाँ पे 4 अटैक्स में 8 स्टार हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा इस वॉर को जीतना कंफर्म हो चुका है अगर मेरा कनेक्शन लॉस्ट नहीं होता है यहाँ पे तो। सो गाइज, अभी मेरी बारी आ चुकी है अटैक करने की। हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं पेका स्मैश एंड हम लोग अटैक करने वाले हैं द वन एंड ओनली सुमित जी 7 के ऊपर। लेट्स गो गाइज, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे नहीं क्योंकि वैसे भी आज मैं लास्ट अटैक कर रहा हूँ। हालांकि मैं लास्ट अटैक करता नहीं हूँ, मैं हमेशा ओपनिंग करता हूँ रोहित शर्मा की तरह, लेकिन आज हम लोग महेंद्र सिंह धोनी बनने वाले हैं। क्या बन पाएंगे? लेट्स सी। यहाँ पे एक जायंट वार्डन, कुछ हिलर्स, अरे 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 अरे, चलो कोई ना,
यहाँ पे एक लून आ जाएगा। अपने को वार्डन के साथ ना यहाँ पे स्कैटर शॉट डाउन करना है एंड अपोनेंट की रॉयल चैंपियन भी यहाँ पे डाउन करनी है, तो अपने को टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर, कम ऑन। अरे यार ज्यादा टाइल्स यहाँ पे ओपन हुई नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना। यहाँ पे रेज आ जाएगी, इस तरफ दो लूंस डाल देता हूँ। टेस्ला निकला भाई उस तरफ, टेस्ला फार्म तो नहीं है वहां पे, हो भी सकता है। यहाँ पे किंग, विचिस, क्वीन, यहाँ पे पेका आ जाएगा, गोलम, पेका, सारे के सारे सुपर विजार्ड्स हमारे एंड हिलर। एंड हम लोग यहाँ पे लॉग लॉन्चर यूज करने वाले हैं। अरे भाई लॉग लॉन्चर हम लोगों ने काफी लेट कर दिया, मेरे दिमाग से निकल गया भाई कि हम लोग यहाँ पे लॉग लॉन्चर यूज करने वाले हैं। चलो कोई ना, यहाँ पे रेज आ जाएगी हमारी पहली। भाई 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 नौ बंदे अपने को स्पेक्टेट कर रहे हैं यार। यहाँ पे आरसी आ जाएगी, कम ऑन लॉग लॉन्चर तोड़ दे वॉल्स भाई। ओके वॉल्स यहाँ पे टूट गई। यहाँ पे रेज एंड वार्डन एबिलिटी, अरे यार वार्डन एबिलिटी हम लोग ने थोड़ी सी लेट कर दी, दो हीलर्स हमारी मर गई यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी लास्ट वाली रेज आ जाएगी, एक बार फिर से टाउन हॉल को फ्रीज कर दूंगा। ओके भाई अटैक हमारे कंट्रोल में है अभी तक, हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची हुई है। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। ओके भाई साहब थ्री स्टार है भाई ये अटैक भी, ज्यादा कुछ बेस के ऊपर बचा नहीं है। एक फ्री स्पेल को हम लोग यहाँ पे स्वैग कर देते हैं। क्वीन की एबिलिटी हमारे पास पड़ी हुई है, ये भी यहाँ पे स्वैग हो जाएगी। कुछ स्कैलेज यहाँ पे निकले हैं लेकिन अभी भाई साहब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है एंड इजिली हम लोग ने इस अटैक को यहाँ पे त्रिशा निकाल लिया। इसी के साथ हम लोग इस वॉर को जीत चुके हैं। हमारा स्कोर है गाइस यहाँ पे 14 स्टार्स एंड क्राउन वाइटी का स्कोर है 11 स्टार्स। तो भाई वॉर यहाँ पे काफी अच्छी गई एंड काफी मजा भी आया इस वॉर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राउन वाइटी की तरफ से एक अटैक यहाँ पे वन स्टार हो गया था जिसका खामियाजा उनको यहाँ पे भुगतना पड़ा। फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ पे योनचुन का अटैक देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया था एंड भाई ने यहाँ पे यूज किया था ब्लिजर्ड हाइड्रा। ओके सेम स्ट्रैटेजी यूज की थी जो कि अंशु ने भी यहाँ पे यूज की थी। ओके किंग को यहाँ पे घुसाने वाला है ईगल आर्टिलरी के लिए, सही है भाई। क्वीन को भी यहाँ पे डाल दिया, बेबी ड्रैगन सारे के सारे ड्रैगन आ चुके हैं, लोन्स ड्रैगन राइडर्स इन्फर्नो बेबी ड्रैगन भी, वार्डन को यहाँ पे डाल दिया। ओके यहाँ पे पहली रेज आ चुकी है, क्या बैटर ब्लिम को वार्डन की एबिलिटी के अंदर यूज करेगा? ओके बैटर ब्लिम को यहाँ पे डाल दिया, वार्डन की एबिलिटी अपने को बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वार्डन की एबिलिटी यहाँ पे यूज कर दी, सारे के सारे ड्रैगन यहाँ पे एक तरफ आ चुके हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कम ऑन बैटर ब्लिम ओपन हो जाएगा, इनविजिबल स्पेल यहाँ पे डाल दी, लेकिन टोर्नेडो निकला भाई वहां पे, कोई जैंट बॉम्ब नहीं निकलना चाहिए वरना सारे के सारे सुपर विजार्ड्स यहाँ पे मर जाएंगे। टाउन हॉल यहाँ पे मिल जाएगा, सिंगल टारगेट इन्फर्नो यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सपो मिल जाएगी एंड ग्रैंड वार्डन स्टैचू भी यहाँ पे मिल गया। भाई साहब क्या ही वैल्यू मिली यहाँ पे ब्लिजर्ड से, मजा आ गया भाई। एंड अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है भाई बेस के ऊपर, अपोनेंट की रॉयल चैंपियन हमारी रॉयल चैंपियन को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। हमारी रॉयल चैंपियन यहाँ पे डाउन हो जाएगी एंड अपोनेंट की रॉयल चैंपियन भी यहाँ पे डाउन हो चुकी है। भाई काफी इजिली योनचुन ने इस अटैक को थ्री स्टार निकाल लिया, काफी प्यारा अटैक था यार। ब्लिजर से जो वैल्यू मिली है ना भाई, मजा आ गया यार वो चीज देख के। सो ये था गाइस हमारा पहला अटैक जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया था एंड यस गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर 1% भी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट एम करते हैं गाइज, आज हम लोग 100 कमेंट का एम करते हैं फिर से, तो भाई कमेंट करो क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।